एक बात है, जिस सबसे परसोडी क्षेत्र में वहां पे लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रहे हैं, वोटर कार्ड भी बढ़ रहे हैं, तो ये वोटर कार्ड कैसे बन जा रहा है? वहां का सारा जनप्रतिनिधि तो आप ही का है, यानी कि आप ही का आदिवासी मूलवासी है। जिला पर पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग संवाद करेंगे कि नगर पालिका को जो परसोडी क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव का लोग विरोध कर रहे हैं। हो सकता है लोग विकास का विरोध में बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कि संविधान का नियम के साथ लोग विरोध कर रहे हैं। बात करते हैं, संवाद करते हैं, उससे पहले शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो सर, जिस प्रकार आप विरोध कर रहे हैं, ये विरोध किस के लिए विरोध है? झारखंड के नगर पालिका कानून 2017 असंवैधानिक है झारखंड में, और परसोडी थाना क्षेत्र जो है एक शेड्यूल इलाका है, आदिवासियों का क्षेत्र है, जहाँ रूढ़िवादी व्यवस्था प्रमुख रूप से लागू है। और जमशेदपुर शहर बसने से पहले वो जो 12 मौजा है परसोडी थाना क्षेत्र, जिसमें जसकंडी, सरजमदा, हलुदबनी, ये खुटखाटी क्षेत्र है। ये जमशेदपुर शहर मतलब काली माटी का मेन क्षेत्र है, और वहाँ के मैं रैयत हूँ, वहाँ के जमींदार हूँ मैं, और उस पर मेरा ही सबसे ज्यादा जमीन है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो शेड्यूल इलाके है, जमशेदपुर शहर जब नहीं बसा था, शहर नहीं बना था, तब से हमारा वो अस्तित्व है। और वहाँ जो है हमारी जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, हमारे ग्राम सभा शासन व्यवस्था उस पर मौजूद है, और उसको तहस नहस करते हुए झारखंड सरकार का 2017 का जो कानून है, जो झारखंड नगर पालिका विधेयक के रूप में नोटिफिकेशन हुआ है, वह जो है आप शहर को विस्तार करने का काम कर रही है, और सरकार इस पे असंवैधानिक काम कर रही है, पिछले सरकार भी असंवैधानिक काम कर रही है, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी असंवैधानिक काम कर रही है, और ये जल जंगल जमीन की सरकार है, लेकिन इनको जल जंगल जमीन बचाना नहीं आता है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके रहते हुए आपके जहाँ जहाँ पर भी विस्तार हो रही है, आप जो है उस असंवैधानिक काम को आप नगर पालिका विधेयक 2017 के तहत जो सरकार के पदाधिकारी, सरकारी ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं, उन पर आप लगाम लगाइए। हम लोगों ने माले विधायक विनोद सिंह, प्रतियोगिता समिति के विधानसभा चेयरमैन हैं, उनसे हमने अनुरोध किया है कि झारखंड में नए जो शहर बन रहे हैं और नए शहरों में जो नगर पालिकाएं काम कर रही हैं, कायम हो रही हैं, उनकी वैधानिकता को जांच करने के लिए विधानसभा की जो प्रतियोगिता समिति है उसके सामने लेकर के आइए, और हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में आएंगे, और झारखंड के शहरी विकास निकाय के जो पदाधिकारी हैं, शहरी विकास विभाग के जो सचिव हैं, उनको हम लोग के साथ बैठाइए, और हम लोग बताएंगे कि आपका सरकार कैसे असंवैधानिक काम कर रही है। तो कहने का मतलब है झारखंड में शहर नए नए बनते जाएंगे और शेड्यूल इलाका खत्म होते जाएंगे, तो झारखंड में जो भी विधायक हैं, सरकार है, मंत्री हैं, उनको बंगाल सरकार से और उड़ीसा सरकार से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने ये तय किया है कि शेड्यूल इलाका में नगर पालिका विधेयक लागू ही नहीं होगी। कहने का मतलब है बागबेड़ा परसोडी क्षेत्र में जो भी पंचायत क्षेत्र हैं, जो रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के तहत संचालित हैं, ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा को आपका शेड्यूल इलाका का एक संवैधानिक कवच प्राप्त है, आप उसको झारखंड का विधानसभा अगर उसको बचाना चाहती है, अगर उसका इच्छा शक्ति है, अगर आदिवासी विधायकों में इतना ज्ञान है, मंत्रियों में ज्ञान है, हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री जी को तो इस पर सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए था, हम लोगों ने दो बार दिया, उनका माथा गर्म हो जाता है, चंपा सरन जी को माथा गर्म हो जाता है, जब बताया गया कि मानगो नगर निगम कैसे बन रहा है तो उसका माथा गर्म हो गया। कैबिनेट के मीटिंग में हमने ले जा करके बताया कि आप कैसे इसको चुनाव करा सकते हो मानगो नगर निगम को, जमशेदपुर शहर जो है ना साक्षी में नोटिफाइड नहीं बनेगा, लेकिन परसोडी में बनेगा, मानगो में बनेगा, ये कौन सा नियम है जी? और मानगो के आगे जो है ना देवघर पंचायत है, वहां पर पंचायत कानून लागू होगा, ये शेड्यूल इलाका है पूर्वी सिंहभूम, कैसे लागू होगा जी? आप मंत्री हो, आपको बताना होगा ना, तो उनका माथा गर्म हो जाता है। कहने का मतलब है झारखंड सरकार में जो लोग भी सरकार चला रहे हैं, उनको पहले ज्ञान होना चाहिए कि आप अपने शेड्यूल इलाका के रूढ़िवादी व्यवस्था को कैसे बचाओगे। बंगाल ने बचाया है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने बकायदा विधानसभा में पारित किया है कि शहर का विस्तार और नगर पालिका कानून, जो भारत सरकार का नगर पालिका कानून है, वो परसोडी जैसे, बागबेड़ा जैसे नया नया बनते जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो झारखंड के आदिवासियों को
अगर अपना रूढ़िवादी व्यवस्था बचाना है, अपना ग्राम सभा को बचाना है, तो झारखंड में पेशा कानून की तरह मेसा कानून लागू कराना होगा। जितने देश में शेड्यूल स्टेट हैं, उन स्टेट में दिलीप सिंह भूरिया ने, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी जो पार्लियामेंट्रियन कमेटी थी, उन्होंने पेशा कानून के बाद मेसा कानून का रिकमेंड किया है। तो भारत का पार्लियामेंट जब तक मेसा कानून नहीं ले आता है, तब तक परसुडी हो या मानगो हो, जो भी नगर निगम, नगर निकाय या कोपाली हो, चाहे चकंदरपुर हो, चाहे चाहे बसा हो, ये असंवैधानिक। हाँ, 47 से पहले का होगा तो उसका अलग व्यवस्था होगा, लेकिन 47 के बाद नया जो आप अगर ला रहे हो तो असंवैधानिक होगा। तो कहने का मतलब, झारखंड में बंगाल के रास्ते पे या उड़ीसा के रास्ते पे चलना होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, और विधानसभा में या उनका कैबिनेट द्वारा नोटिफिकेशन कर दिया जाए, गजट नोटिफिकेशन कर दिया जाए कि नया शहर जो है शेड्यूल इलाका में, जैसे पूर्वी सिंहभूम शेड्यूल इलाका है, तो वहां मेसा लागू होगा, पेशा लागू होगा, लेकिन झारखंड नगर पालिका विधेयक 2017 लागू नहीं होगा, ये कर दिया जाए। यदि हमारे विधायक लोग अगर चाहते हैं कि उनकी अपनी समाज का व्यवस्था को बचाना है, तो ये करना होगा, अन्यथा इस शहरीकरण का जो चपेट में पूरे झारखंड का शेड्यूल इलाका खत्म हो जाएगा। दिक्कू व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था से कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए परसुड़ी क्षेत्र में हम लोग आज जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं कि अगर हाईकोर्ट ने भी अगर कुछ कहा होगा, निर्देश दिया होगा, तो आप हमारा ग्राम सभा का रिकमेंडेशन, हमारा ग्राम सभा का इच्छा शक्ति, हमारा सहमति के बगैर आप हमारा ग्राम सभा को आप कुछ भी नहीं बना सकते हो। ये संविधान का मैंडेटरी व्यवस्था है। एक बात है, जिस सबसे परसुड़ी क्षेत्र में वहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रहे हैं, वोटर कार्ड भी बढ़ रहे हैं, तो ये वोटर कार्ड कैसे बन जा रहा है? वहाँ का सारा जनप्रतिनिधि तो आप ही का है, यानी कि आप ही का आदिवासी मूलवासी है। जिला परिषद का चेयरमैन भारी मुर्मू जी को पूछ लीजिएगा, उनका सारे सदस्य उनको स्टाम्प करके देके वोटर कार्ड बन रहा। बारी मुर्मू जी से पूछ लीजिएगा, प्रमुख जो होगा यहाँ का उनसे पूछ लीजिएगा, मुखिया लोग से पूछ लीजिएगा, वार्ड मेंबर से पूछिएगा, विधायकों से पूछिएगा कि नए जो वोटर यहाँ झारखंड में घुस रहे हैं, उनको रोकने के आपके पास इच्छा शक्ति है, अक्कल है, बुद्धि है? उनको तो वोट मिलेगा, क्यों नहीं? नहीं, 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 कहने का मतलब, आदिवासी हो, चेयरमैन तुम्हारा आदिवासी होने के मिला है, तुमको जो नया जो लोग आ रहे हैं वो तुमको नहीं दे रहे हैं, आपको वोट देते जरूर है, लेकिन आप आदिवासी हो तो पहले आदिवासी होने के नाते आपकी जो अपनी जो विवेक है वो क्या बोलती है? आप आदिवासी होने के नाते क्या बिहार वालों को आप अपना चार्ज में सिर्फ दे दीजोगे? नहीं ना देगा। तो कहने का मतलब है कि नया जो वोटर लिस्ट बन रहा है, उसके लिए उनको जो सत्यापन की जरूरत है, उनका एड्रेस को सत्यापित करने की जरूरत है, वो सत्यापन और बीएलओ जो है और जिला प्रशासन जो है, या वोटर का जो पुनरीक्षण होता है, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का जो काम प्रत्येक 6-6 महीना में हो रहा है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। नया नया बूथ बन रहे हैं, नया नया वोटर घुस रहे हैं, उसका सत्यापन किए बगैर दूसरे इलाका में, आप बिहार में चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, दूसरे जगह पर आप कोई भी आदमी, नया आदमी भाड़ा घर में रह करके आप वोटर नहीं बन सकते हो, लेकिन झारखंड में या वोट भाड़ा घर में रहने वाला और उसका पूरा परिवार बिहार में रह रहा है, यूपी में रह रहा है, लेकिन यहाँ का वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा रहा है, दो दो वोटर लिस्ट बना करके, दो दो आधार कार्ड बना करके, यहाँ वोट का लूट हो रहा है, वोट का डकैती हो रहा है, और वोट बाहर का वोट आ करके हमारा वोट को ताकत को, हमारा वोट का जो ताकत है, यहाँ के जो मतदाताओं का जो ताकत है, यहाँ का जो खुटखटी मतदाता है, वह जो झारखंडी वोटर है, उनकी ताकत को खोखला बनाने का काम हो रहा है, और विधायकों को, जिला परिषदों को इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। ये आप असंवैधानिक तौर से गैर कानूनी तरीके से जो वोटर बन रहे हैं, जैसे मानगो क्षेत्र में, पूरा तुरिया बेड़ा में, पूरा आपका डांगा में, अवैध रूप से अगर पूरा जाँच किया जाए तो राशन कार्ड भी अवैध है, वोटर कार्ड भी अवैध है, आधार कार्ड भी अवैध है, सबका जांच होना चाहिए। और अगर ये जांच हो जाए तो पूरे झारखंड में जितने बिहारी वोटर हैं, जो जाली वोटर हैं, वो जाली वोट एक शोक में बिहार चला जाएगा और फिर से यहाँ झारखंडी राज्य कायम हो सकता है। तो इसके लिए झारखंडी विधायकों को, झारखंडी जनप्रतिनिधियों को सीखना होगा कि वोटर पुनरीक्षण के समय में कौन सा खेला होता है, कौन सा लोग बीएलओ जो होते हैं, जो टीचर्स जो होते हैं, बूथ पर जो टीचर होते हैं, उनको गाइडलाइन देना होगा कि जिसका आप
घर अगर परमानेंट नहीं है, जिसका जमीन अगर परमानेंट नहीं है और जो भाड़ा घर में रह रहा है, अब स्टेशन में आया है, उसका भी आप वोटर लिस्ट बना दे रहे हो। वोटर लिस्ट बन जा रहा, आधार कार्ड बन सकता है लेकिन वोटर लिस्ट नहीं बन सकता है, लेकिन बन रहा है। तो कहने का मतलब झारखंड सरकार को भी शेड्यूल इलाका में बाहरी आबादी को रोकने के लिए कानूनन कोई एक प्रावधान करना होगा। वोट जो है ना, जैसे कि वो संविधान में भी नियम है कि बाहर के लोग बस नहीं सकते हैं, लेकिन बसा जा रहा है, लोग रह रहे हैं और शेड्यूल इलाका कमजोर हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि नगर पालिका का कमजोर लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार को संज्ञान लेने का बात कर रहे हैं और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि को सबको लोगों को ये करके टारगेट करके ये लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ का जनप्रतिनिधि अपने आप में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो को, आप लोग इस ये को शेयर जरूर करें, इस आवाज़ को अपने जन जन तक पहुँचाने का प्रयास जरूर करें, ताकि ये सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।